I am unpredictable. तो अगर ये unpredictable है तो ये predictable है. I mean, I don't know. मतलब इसकी क्या जरूरत थी. பேசிக்கர் ராம் மாதிரி நல்லவன் எவனும் இல்ல. तो शुरू शुरू में जो पहले 10-12 सेकंड है उतना फास्ट नहीं है. मतलब शुरू वाला शॉट तो अच्छा ही लगा मुझे. ग्रीन हिल जैसा दिख रहा है और एक डायलॉग भी सुनाई देता है कि वैसे तो राम से अच्छा कोई है ही नहीं. अब राम कौन है वो बाद में पता चलेगा. लेकिन बहुत ही आड़े टेढ़े पोज में भी लोग नज़र आ रहे हैं और बहुत लोग दिखते हैं. पता नहीं क्यों हर मूवी में इनके इतने सारे लोग होते हैं. पता नहीं लाइक क्राउड फंडिंग जैसा ही लग जाता है इन मूवीज़. तो देखते हैं अभी. फिर से वही घिसी पिटी. मतलब वो जो एक साउथ इंडियन मूवी का स्टीरियोटिपिकल हीरो एंट्री वाला सीन होता है ना, कि पत्ते उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है. पता नहीं वो किसी से भी सोसाइटल, पता नहीं वो हीरो कोई सा भी सोसाइटल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए, लेकिन हेलीकॉप्टर में एंट्री कैसी हो जाती है. मतलब हम लोगों ने तो किसी का एंट्री देखा नहीं है इन रियल लाइफ हेलीकॉप्टर. एनीवे ये उनका ट्रेडमार्क स्टाइल ही बन चुका है. और अब राम शायद से रामचरण ही है. एंड ही इज सीन राइडिंग अ मोटर बाइक इनसाइड द कॉरिडोर ऑफ अ यूनिवर्सिटी. लो बात कर लो. अब शुरू हो चुका है एकदम हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस. एक्शन तो क्या आप साउथ इंडियन मूवीज में मारपीट तो नहीं बोल सकते हो, आपको काट कुटाई बोलनी पड़ेगी. क्योंकि इनके हिसाब से तो मारपीट का मतलब होता है कि काट दो, खून निकलना चाहिए और फिर लोग उड़ने चाहिए. तो यही सब हो रहा है अभी तक 30 सेकेंड तक. तो बहुत ही क्विंटेसेंशियल ड्रामेटिक वैसा है. अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है. चलो फाइनली हीरो की मुंह दिखाई हो चुकी है. हीरोइन की भी मुंह दिखाई हो चुकी है. एक रोमांटिक सॉन्ग नज़र आ रहा है जहाँ पे क्यारा और रामचरण ऑब्वियसली रोमांस करते हुए नज़र आ रहा है. वाइट गाउन पहनी हुई है. क्यारा प्यारी लग रही है. एक बास्केटबॉल सीन भी है. तो इसका मतलब है कि कॉलेज का सीक्वेंस है और वो कॉलेज के स्टूडेंट के लाइफ से ही उनका जर्नी दिखा रहे हैं मूवी में. एंड रामचरण इज स्टिल प्लेइंग अ कॉलेज बॉय. तो अभी वो कौन से फील्ड में है वो नहीं पता, लेकिन कॉलेज में वो बाइक लेके घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं. तो देखते हैं उनका कैरेक्टर क्या निकल के आता है. काफ़ी सारे ड्रोन शॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो बीच का ड्रोन शॉट हो या फिर किसी यूनिवर्सिटी व्हाइट हाउस जैसा भी दिख रहा है. एक पॉलिटिकल फिगर भी दिख रहे हैं. एंड देन वी कुड ऑल्सो सी कि एक डायलॉग भी आ रहा है कि वैसे तो राम जैसा अच्छा इंसान नहीं है कोई भी, लेकिन अगर उसका आप छेड़ दो मतलब तो उसके जैसा बुरा कोई नहीं है. तो उसी के ऊपर स्टोरी रिवॉल्व होगी. वो टैगलाइन ही है मूवी का. तो एनीवे अभी इसमें आपको रामचरण का कैरेक्टर पढ़ाई भी करते हुए दिखाई दे रहा है, मारपीट भी करते हुए दिखाई दे रहा है. तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन से पार्टी में है. अब देखते हैं आगे. ओह दिस इज़ अ ब्यूटिफुल शॉट. ओके तो इसमें मुझे एक काफ़ी प्यारा शॉट लगा जहाँ पे यू नो इट्स लाइक स्लाइटली कैमरा एंगल एक एंगल में है 45 डिग्री एंड यू कुड सी लाइक मल्टीपल कलर हाउसेस. काफ़ी प्यारा लग रहा था. शायद से VFX का भी कमाल हो सकता है. सेट डिज़ाइन बढ़िया है. आर्ट मुझे अच्छा लगा. लेकिन एट द सेम टाइम यू नो उनकी फैमिली की भी एक झलक दिखी. लेकिन यू नो लाइक एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर स्प्लिट सेकेंड. मतलब खट 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 सब कुछ दिखा रहा है. ऐसा लग रहा है कि पूरी मूवी को 1.5 मिनट में आपका ठूस दिया है सो दैट लोगों को समझ में आए. लेकिन एक्चुअली में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसके वजह से. क्या पता कि थोड़ा बहुत कम शॉट्स रखते तो हम लोग गेज कर भी लेते कि कहानी क्या है. एनीवे तो वो कॉलेज स्टूडेंट भी दिख रहा है. कहीं कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी दिख रहे हैं. अलग अलग लुक में भी दिख रहा है. कहीं कहीं पे ही इज़ लुकिंग लाइक दिस वेरी यू नो अर्बन गाय वेयरिंग डेनिम एंड जैकेट. और कहीं कहीं लुक में ही इज़ वेयरिंग लाइक अ वाइट धोती कुर्ता. तो देखते हैं आगे. जो हाई एक्शन सीक्वेंसेस
एक्टर्स है वो बहुत ही एज यूजुअल कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फास्ट दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्लोमो में दिखा रहे हैं टू क्रिएट दैट ड्रामा. और स्लोमो तो मतलब साउथ इंडियन मूवीज़ का ट्रेडमार्क स्टाइल है ही. और इसमें और एक गेटअप में नज़र आए दैट ऑफ एन ऑफिसर, तो शायद से वन कुछ ऑफिसर है. लेकिन एनीवे कहानी हम आपको बताएंगे क्योंकि विकिपीडिया में मैं पढ़ चुकी हूँ. लेकिन इसमें देख के तो वही लग रहा है कि वो एक थर्ड गेटअप में नज़र आ रहा है, हु विच मेक्स हिम लुक लाइक एन ऑफिसर ब्यूरोक्रेट. तो और सभी लोग उनको बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हो, मतलब कियारा आडवाणी भी उनको पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, क्योंकि वो मार भी रहे पीट भी रहे. तो अगर आप ऑफिसर हो तो आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हो, तो वो एंगल भी है. फाइनली खत्म हो चुका है. ओह माय गॉड. तो फोर्थ लुक में भी वो नज़र आ गए, छोटे से मूंछ में वो नज़र आ रहे हैं और एकदम ही पॉलिटिकल फिगर के लुक में, यू नो, विद दैट ब्लैक ब्लेजर और चश्मा भी पहना हुआ है. और एज भी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है उनकी फ्रॉम द बिगिनिंग वाला शॉट से. एंड लास्ट में वो कहते हैं कि आई एम अनप्रेडिक्टेबल. तो अगर ये अनप्रेडिक्टेबल है तो ये प्रेडिक्टेबल है. आई मीन आई डोंट नो, मतलब इसकी क्या ज़रूरत थी. तो क्योंकि हर एक हीरो को ना एक पंच लाइन, एक फिजिकैलिटी चाहिए होता है टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी इन एनी साउथ इंडियन मूवी, विच इज़ लाइक देयर क्विंटेसेंस. आई मीन आज भी वो पता नहीं क्यों वो ड्रामा फॉलो कर रहे हैं. और टीज़र से तो कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसे जैसे मैंने आपको कहा पूरा खिचड़ी लग रहा था. तो एक्चुअली में वो पॉलिटिशियन बने हैं कि स्कूल गोइंग बॉय है, कि बस लवर बॉय है, कि गुंडे बने हैं. तो जाके हमने जब विकिपीडिया में पढ़ा तो हमको मालूम पड़ा कि इज़ एक्चुअली प्लेइंग एन आई ए एस ऑफिसर. और जो पॉलिटिशियंस होते हैं, यू नो, तो उनकी वो बैंड बजाते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग ना ही किसी का सुनते हैं, ना ही अपनी मनमर्जी करते हैं, घूसखोर होते हैं. एंड आईएएस ऑफिसर लोगों को भी वो लोग सर्वेंट जैसा ही ट्रीट करते हैं, जबकि आईएएस ऑफिसर पढ़ लिख के उस पोजीशन में जाता है, ये लोग यू नो दादागिरी करके या फिर घोटाला करके गेम चेंज करके वोट में. तो ये सब वो स्टॉप करने वाला है, इसी वजह से शायद वो फाइट करते हुए नजर आते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन ऑफिसर. तो एनीवे आपको कैसा लगा ये गेम चेंजर का टीज़र, क्या आपको स्टोरी कहीं पर भी समझ में आई? अगर आई हो तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. वैसे मुझे तो जैसा मैंने बताया खास मज़ा नहीं आया. तो या दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज रिएक्शन वीडियो. अगर आपको और रिएक्शन वीडियोस देखने हैं और अगर फनी रिएक्शन वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस स्पेस, हम लोग लाते रहेंगे. आज हमारी ये रिएक्शन वीडियो की शुरुआती वीडियो है, तो लेट अस नो शुड वी कंटिन्यू विथ इट. यू आर वॉचिंग बज़ूका रिव्यूज़. दिस इज़ मी इशिता साइनिंग ऑफ.